स्टूडेंट्स आई एम योअर प्रीथा मैम योर ई वी एस टीचर हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल अ वेरी फाइन ओके तो हम लोगों ने लास्ट कल जब जूम क्लास हम लोग किए थे तो हम लोगों ने क्या किया था कीपिंग क्लीन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था अच्छे से इंटरेक्ट किया था ठीक कि है हम हमारे बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं हाउ टू मेंटेन अवर क्लिनलीनेस एंड हाइजीन राइट तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया है अच्छे से इंटरेक्ट भी कर लिया है आज हम क्या करेंगे आज हम करेंगे बुक एक्टिविटी सो टेक आउट योर बुक्स, पेंसिल्स एंड इरेजर्स ओके टेक आउट आवर बुक विच आवर ग्रीन वर्ल्ड आवर रिव्यूज बुक नाउ कम टू चैप्टर फोर कीपिंग क्लीन कम टू द बुक एक्टिविटी पेज नंबर फोर्टीन नाउ विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम हियर Activity one T -I -C -K, TICK tick -E, THE the T-H-I-N-G-S things YOU -U. -E -E NEED TO two K KIP -E -E Y-O-U-R are your बी ओ डी वाई बॉडी सी एल ई ए एन क्लीन टेक द थिंग्स यू नीड टू कीप य बॉडी क्लीन यहाँ पे जो जो पिक्स दिया गया है ना जो जो सामान के उसमें से सिर्फ उन उन सामान के नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है जो हमारे बॉडी को क्लीन रखने में मदद करते फर्स्ट ये क्या है सोप है एस ओ ए पी लिखा भी है सोप सोप क्या करते हैं हमारे नहाने के टाइम काम आता है हमारे बॉडी को क्लीन करने में स्किन को क्लीन करने में तो हम सोप के नीचे टिक देंगे ये क्या है ये एक स्क्रीन है जैसे टीवी या कंप्यूटर के होते हैं वो होते हैं वो हमारे कोई काम लगते हैं बॉडी क्लीन करने के लिए नहीं तो हम यहाँ पे टिक नहीं देंगे ये क्या है नेल कटर नेल कटर क्या करते हैं नेल कटर से हम नेल्स को कट करते हैं नेल्स को किन नेल्स को कट करके हम नेल्स को क्लीन रखते हैं तो ये ज़रूर हमारे बॉडी क्लीन में काम आता है तो हम यहाँ पे एक टिक देंगे ये क्या है रिस्ट वॉच है एक right? राइट हाथ में पहनने वाली घड़ी है ये हमारे बॉडी को क्लीन रखने में मदद करते हैं नहीं तो हम यहाँ पर कोई टिक नहीं देंगे ये क्या है ये एक फुटबॉल है इससे हम क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं तो ये हमारी बॉडी क्लीन करने में तो कोई नहीं काम आता तो हम यहाँ पे टिक नहीं देंगे ये क्या है दिस इज अ कोम्ब कोम्ब क्या करते हैं हमारे बालों में कंगी करने में मदद करते हैं ना हमें क्लीन रखने के लिए बालों को अच्छे से क्लीन करके अच्छे से वो करने के लिए कोम्ब करते हैं ना हम तो फिर यहाँ पे हम टिक देंगे ये क्या है ये एक टूथब्रश है टूथब्रश क्या करते हैं रोज़ सुबह एंड रात को हम दांत को क्लीन तो टूथब्रश से ही करते हैं तो हम यहाँ पे क्लीन टिक टिक देंगे तो यहाँ पे क्या क्या सामान हमारे रोज बॉडी को क्लीन कर रहे हैं सोप नेल काटा, कोम्ब एंड टूथब्रश हो गया अब कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी ए आर आर ए एन जी ई अरेंज टी एच ई एस ई दिस D a i l y daily a c t i v i t i e s activities o f of c l e a n clean l i n e s, -S cleanliness cleanliness i n in -E proper S E Q U E N C E sequence. Arrange these daily activities of cleanliness in a proper sequence. S T A R T start, W I T H with, M O R N I N G morning, G I V I N G giving, T H E the, N U M B E R number 1. अरेंज दिस डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनलीनेस इन अ प्रॉपर सिक्वेंस स्टार्ट विद मॉर्निंग गिविंग द नंबर वन मतलब यहाँ पे चार फोटो दिया गया, गया है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक बेबी नहा रहा है. है ना? एक लड़का नहा रहा है यहाँ पे क्या है हाथ धो रहा है यहाँ पे क्या है एक लड़की ब्रश कर रही है और यहाँ पे टावल से सिखा रहा है तो ये हैपाजर्डली दिया गया है हमें क्या करना है सुबह से उठ के हम कौन सा काम पहले करते हैं उसके बाद कौन सा काम करते हैं उसके बाद कौन सा काम करते हैं ऐसे सिक्वेंस पे हमें मार्क करना है सबसे पहले क्या करते हैं हम नहाते हैं नहीं हाथ धोते हैं नहीं ब्रश करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर वन ठीक है इसके बाद हम क्या करते हैं ब्रश करने के बाद हाथ धोते हैं मुँह धोते हैं राइट तो हम इसको यहाँ पे देंगे टू इसके बाद क्या करते हैं हम नहाते हैं है ना ब्रश कर ली हाथ धो ली मुँह धो ली इसके बाद क्या करेंगे हम नहाएंगे तो यहाँ पे देंगे थ्री फिर नहाने के बाद हम क्या करेंगे बॉडी को सुखाएंगे अच्छे से ग्रीन एक ड्राई एंड क्लीन टॉवल से तो यहाँ पे हम देंगे फोर तो फर्स्ट वी ब्रश आवर टीथ देन वी क्लीन आवर हैंड्स एंड वॉश आवर फेस एंड फेस देन वी टेक बाथ Then we dry ourselves with a clean and dry towel. Okay, हो one 2 3 and four. Okay. Now coming to the next activity. T I C K take T H E the C O R R E C T correct W O R D S words T O two C O M P L E T E complete T H E the S E N T E N C E S sentences take the correct words to complete the sentences क्या बोल रहे हैं जो correct word होगा इसमें से उसमें tick दे के, complete कंप्लीट करना है सेंटेंस को टी एच ई एन देन आर ई ए डी रिड ओ यू टी टी एच ई दी ओ आर आर ई टी करेक्ट एस ई एन टी ई एन सी ई एस सेंटेंसेज देन रीड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस पहले हमें क्या करना है यहाँ से करेक्ट वर्ड को टिक देना है करेक्ट वर्ड के ऊपर उसके बाद हमें पूरा सेंटेंस रीड करना है स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन डब्ल्यू ई वी एम यू एस टी मस्ट बी आई टी ई बाइट और B R U S H ब्रश O U R आवर T E E T H टित E V E R Y एवरी D A Y डे वी मस्ट बाइट और ब्रश आवर टित एवरी डे हमें रोज क्या करना चाहिए बाइट करना चाहिए बाइट मतलब तो पता ही है बाइट करना चाहिए नहीं हमें क्या करना चाहिए ब्रश करना चाहिए तो हम ब्रश के ऊपर टिक देंगे तो अभी सेंटेंस क्या हुआ

एफ टी ई आर आफ्टर टी ओ आई एल ई टी टॉयलेट एम ई एल एस मिल्स वी मास्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टॉयलेट और मील्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था टॉयलेट करने के बाद हाथ धोना है लेकिन जब हम कोई मील्स ले रहे हैं मतलब हम कोई खाना खा रहे हैं तो उससे पहले भी हमें हाथ धोना चाहिए और उसके बाद भी हमें हाथ धोना चाहिए तो हम यहाँ पे कौन से में टिक करेंगे मिल्स में वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मिल्स हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए नो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस डब्ल्यू ई वी एम यू एस टी मस्ट टी ए के ई टेक आ बी आर ई ए डी ब्रेड B A T H बात e -E every D A Y day we must take a bath और बात every day हमें रोज क्या करना चाहिए नहाना चाहिए बात कर बात लेना चाहिए तो must take a बात होगा तो बात के ऊपर must take a bath every day हमें रोज नहाना चाहिए हमें रोज एक बार नहाना चाहिए now next sentence डब्ल्यू ई वी एम यू एस टी मास्ट सी ओ एम बी कोम्ब और यहाँ पे क्या लिखा है सी यू टी काट ओ यू आर आवर एच ए आई आर हेयर ई वी ई आर वाई एवरी डी ए वाई डे वी मास्ट कोम्ब और काट आवर हेयर एवरी डे हमें रोज बाल काटना चाहिए या बालों में कंघी करनी चाहिए रोज कंघी करनी चाहिए तो वी मास्ट कोम्ब के ऊपर टिक वी मास्ट कोम्ब आवर हेयर एवरी डे हमें रोज अपना बाल जो है उसमें कंगी करनी चाहिए तो जस्ट राइट इट डाउन ओके okay, स्टूडेंट्स आप लोगों ने जैसे मेरे साथ आज किया बुक एक्टिविटी इसको आपको क्या करना है इसका आपको एक फ़ोटो क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना है ओके क्लास थैंक यू क्लास हैव अ गुड डे टेक केयर यू ऑल